सोने के जेवरों के साथ आप रुपयों को देखिए और साथ में देखिए पिस्टल। ये उड़ीसा से लूटे गए थे सारे के सारे जेवर। जी हां, गोपालगंज पुलिस को भी सहसा यकीन नहीं हुआ था जब एक खतरनाक लुटेरा को उसने धर दबोचा था। जिस लुटेरा को उसने पकड़ा, पुलिस को यह यकीन नहीं हो पाया कि उसका खौफ सिर्फ बिहार में ही नहीं उड़ीसा तक है, जो लूट के लिए अपने साथ अपने भाई और भाभी को शागिर्द बनाता है। गोपालगंज पुलिस ने बिहार और उड़ीसा के कुख्यात अपराधी किशोरी महतो उर्फ किशोरी नोनिया को उड़ीसा से लूटे गए सोने के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस अपराधी के साथ उसके भाई और भाभी को भी लूटे गए सोना, पिस्तौल, लाखों रुपए के साथ कई अन्य आपत्तिजनक चीजों के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल 1 मार्च 2021 को उड़ीसा के बड़ा गांव में एक सोना व्यापारी को गोली मारकर करीब उससे 800 ग्राम सोने की लूट की गई थी। इस घटना में सोना व्यापारी की मौत हो गई। इस घटना के बाद लगातार उड़ीसा पुलिस इस कुख्यात अपराधी को लेकर गोपालगंज पुलिस से संपर्क में थी। उड़ीसा पुलिस के इनपुट के बाद गोपालगंज पुलिस के द्वारा किशोरी नोनिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली थी कि कुख्यात किशोरी महतो उर्फ किशोरी नोनिया अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। इसी इनपुट के आधार पर किशोरी महतो उर्फ किशोरी नोनिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को तैयार कर छापेमारी किया गया, जहां से किशोरी महतो उर्फ किशोरी नोनिया को भाई अनिल महतो और भाभी प्रभा देवी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किशोरी नोनिया के पास से लूटे गए सोना में से 320 ग्राम सोना, एक पिस्तौल, दो मैगजीन, कई जिंदा कारतूस और 2,70,000 रुपया नगद, साथ में सोना तौलने वाली मशीन के अलावा और कई अन्य चीज़ भी बरामद की गई। गोपालगंज एसपी ने बताया कि इस कुख्यात अपराधी के ऊपर अकेले गोपालगंज और सिवान में 10 से अधिक लूट के मामले दर्ज हैं। कुख्यात किशोरी नोनिया उर्फ किशोरी महतो सिवान के चाप गांव का रहने वाला है। ये गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है अपराधियों के खिलाफ, और एक अपराधी, उसका नाम है किशोरी महतो, जिसको कि किशोरी नोनिया के नाम से भी लोग जानते हैं, जो चाप जो गाँव है सराय ओपी सिवान जिले का रहने वाला है, और यह बिहार के कई जिलों ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर जो स्टेट्स हैं, विशेषकर जो हम लोग को सूचना मिली उड़ीसा में, कई सारे अपराध कर चुका है। और इसका जो एमओ होता है वो गोली मारकर हत्या करके और सोना हुआ, पैसा हुआ, उसकी लूट करता है। और इसके गिरोह में बड़ा गिरोह है, और इसके कुछ लोग जेल में भी हैं और कुछ लोग अभी बाहर, इसको हम लोग चिन्हित किए हैं, उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। हमें कल सूचना मिली कि किशोरी नोनिया अपने साथियों के साथ माजागढ़ थाना के बिस्मरापुर की तरफ किसी घटना को अंजाम देने आने वाला है, जहां पे तुरंत टीम बना के हमारे SDPO साहब नरेश और जो प्रसिद्ध परीक्षमान DSP हैं दीपक, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी और उन्होंने उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके और वॉच किया, अपना जाल बिछाया, और उस जाल में ये किशोरी नोनिया फंसा, जिसके पास से हम लोग को एक पिस्टल, दो मैगजीन और लगभग 320 ग्राम सोना, लूटा हुआ सोना, और 2,70,000 रुपये, और साथ में जो इसके उसके बयान के आधार पर हमने छापेमारी भी किया तो उससे भी बहुत सारी रिकवरी हुई, और उसमें एक जो सोना को वेट करने वाली जो मशीन होती है वो भी मिला, जिससे कि बहुत प्रिसीजन से उसको वेट किया जाता है, और उससे हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उड़ीसा से भी टीम आई हुई है, वो भी लगातार पूछताछ कर रही है। उसके अन्य जो हम लोग आपराधिक इतिहास अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं, लगभग 10 कांडों में वो संलिप्त रहा है।
एसपी आनंद कुमार ने बताया कि किशोरी नोनिया गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम देने में एक्सपर्ट है। इसके ऊपर गोपालगंज के अलावा बिहार और उड़ीसा के कई थानों में मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि इस कुख्यात अपराधी ने सोना व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मारकर 800 ग्राम सोना लूट लिया था, जिसमें से कुछ सोना उसने बेच दिया था और उसी बेचे गए सोने से 2,70,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। एसपी ने कहा कि इस ग्रुप के अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही जिस ज्वेलरी दुकान को लूटे गए सोने बेचे गए हैं उसकी भी पहचान की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश सिवान जिले के पछड़ोकी थाना क्षेत्र के सराय ओपी के चाप दक्षिण टोला गांव के विक्रमा महतो का पुत्र किशोरी महतो उर्फ किशोरी नोनिया है, जिसका आतंक उड़ीसा के सोना व्यापारियों के बीच है। खुलासा के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट।